आज फिर से एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी लेकर के आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। इस स्ट्रेटजी में बेसिकली ये जो स्ट्रेटजी कैसे काम करने वाली इस चीज़ को यहाँ पे समझिएगा। ये अप ट्रेंड वाली स्ट्रेटजी है जिसकी हमको कंफर्मेशन मिलेगी। कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे डबल कंफर्मेशन के लिए हम RSI इंडिकेटर का भी यूज़ करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का यूज़ करेंगे। किस तरीके से यहाँ पहले प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, फिर इसको हम यहाँ पे स्ट्रेटजी को बनाएंगे और डिप्लॉय करेंगे और देखेंगे बैक टेस्ट करके कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले इस स्ट्रेटजी को हम आवरली कैंडल के ऊपर चलाएंगे। 1 आवर यहाँ पे टाइम फ्रेम के ऊपर जो भी कैंडल्स बनेगी उसके ऊपर हम इस स्ट्रेटजी को रन करने वाले हैं। तो हमने टाइम फ्रेम 1 आवर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो कंडीशन लगने वाली है वो हमारी कंडीशन क्या होने वाली है, यहाँ पे ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा कि जो हमारा करंट क्लोज रहेगा, जो हमारी ये वाली करंट कैंडल का जो क्लोज है, ठीक है, ये पीछे की 1 नंबर कैंडल, 2 नंबर कैंडल और 3 नंबर कैंडल की जो यहाँ पे जो क्लोज है इनसे ऊपर होना चाहिए। जिससे क्या पता चलेगा कि जो स्टॉक है 3 आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर वो क्या है, एक अप ट्रेंड बना चुका है, अप ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है या फिर ट्रेंड बना चुका है। ये चीज़ यहाँ पे एक क्लियर हो गई। अब इसके फॉल्स सिग्नल से बचने के लिए हमें कुछ और भी करना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज़ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, स्टडीज़ में जा करके RSI इंडिकेटर को यूज़ करेंगे। RSI सिंपल RSI 14 पीरियड्स का हमने लेना है, जो कि ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट 14 पीरियड्स का ही लगा होता है। उसमें हमारी कंडीशन क्या रहेगी कि जब आवरली कैंडल है उसके ऊपर जब RSI है वो 50 के ऊपर रहेगा तब हम यहाँ पे बाय करेंगे। 50 के ऊपर रहेगा हम तब बाय करेंगे, 50 के नीचे रहेगा तब हम नहीं करेंगे। क्योंकि 50 के ऊपर रहने का मतलब क्या है कि ये भी कंफर्मेशन दे रहा है कि जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा बुलिश साइड में स्ट्रांग हो रहा है, तभी ये 50 के ऊपर जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम ओवर सेल या ओवर बॉट जोन की बात नहीं करेंगे। सिंपल इज दैट जो इसका 50 है उसके ऊपर आएगा तो हम बाय करेंगे। प्लस ये जो हमने कंडीशन की पहले बात करी कि जो करंट क्लोज है वो पीछे के 3 जो कैंडल्स होंगी आवरली उनके क्लोज से ऊपर होनी चाहिए। ओके, तब जा करके हम क्या करेंगे, स्टॉक में एंट्री लेंगे। स्टॉक में हम एंट्री ले लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये एक चीज़ रहती है, और हमारा टारगेट क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे 3% का, और यहाँ पे जो टारगेट रहेगा हमारा वो 10% का रहने वाला है। यहाँ पे हाँ टारगेट थोड़ा बड़ा है, इससे रिजल्ट को बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। और साथ में हम यहाँ पे 20 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लेकर के चलेंगे 3% का। अगर स्टॉक आपके फेवर में मूव करता है तो जो आपका स्टॉप लॉस है वो ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा, जिससे क्या होगा अगर स्टॉक ने अच्छी मूवमेंट दी तो इनके अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो भी आपको लॉस नहीं होगा या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही देखा जाए। क्यों? क्योंकि आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लिया है अगर स्टॉक आपके फेवर में मूव कर रहा है तो। ओके, सिंपल इज दैट। ये सारी चीज़ हमने प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर देख ली, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये चार्ट था। तो अब इसको हम स्ट्रेटेजी को बनाएंगे, उसके लिए हमको अगेन यूज़ करना होगा स्ट्रीक प्लेटफॉर्म। यहाँ मैंने स्ट्रीक को लॉग इन कर लिया अपने ज़ीरोधा आईडी एंड पासवर्ड को यूज़ करके। अगर आपके पास भी ज़ीरोधा का अकाउंट है तो आप इसको बहुत आसानी से लॉग इन कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप ज़ीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर कुछ और भी ब्रोकर्स हैं जैसे अपस्टॉक्स, 5paisa, उनका भी इनके साथ टाई अप हो गया तो आप चेक कर लेना। अगर आपका ब्रोकर इनके साथ अटैच है तो आप वहाँ से भी इनको यूज़ कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को। स्ट्रेटजी बनाने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, स्ट्रेटजीज वाले सेक्शन में चलेंगे और यहाँ पे क्रिएट न्यू स्ट्रेटजी करेंगे। स्ट्रेटजी का नाम दे देते हैं, स्ट्रेटजी का नाम यहाँ पर रख लेते हैं कुछ भी, अप ट्रेंड स्ट्रेटजी रख लेते हैं एक बार, इसका नाम अप ट्रेंड स्ट्रेटजी हो गया। इसको हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और हमारा जो स्ट्रेटजी का ये पूरा का पूरा जो डैशबोर्ड है, नया वाला पेज है, वो ओपन हो जाता है। सबसे पहला काम करने के असिस्ट वाला फीचर इसको बंद कर लेना, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करेगा कि आप ये नहीं ये से मतलब लगाओ, ठीक है। पोजिशन यहाँ पर रहने वाली है बाय की। ओके, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको यहाँ पे स्टॉक्स ऐड करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ स्टॉक्स को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐड कर लिए, तकरीबन यहाँ पे 12-13 स्टॉक्स है जो कि सभी अच्छे स्टॉक्स है। टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, HCL, टेक SBLF, टाइटन, बैंक ऑफ बड़ौदा, UBL, LTI, DLF, आप यहाँ पे देखोगे तो सभी स्टॉक्स यहाँ पे अच्छी कैटेगरी के स्टॉक्स को मैंने ऐड कर लिए। और ये स्टॉक्स है इनके ऊपर स्ट्रेटजी का रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप चाहो तो दूसरे स्टॉक्स को भी इसमें ऐड करके उनके ऊपर टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐड करते हैं स्टॉक्स, यहाँ पर सभी ऐड हो गए हैं। बाय की पोजीशन लेने वाले हैं, आवरली टाइम फ्रेम यहाँ पे है, और उसके बाद में यहाँ पे हम लगा लेते हैं, नीचे आते हैं, एंट्री कंडीशन की बात आ जाती है। और एंट्री कंडीशन में सबसे पहले यहाँ पे पहले हम पैरामीटर्स को थोड़ा चेंज कर लेंगे। होल्डिंग टाइम हमारा यहाँ पे CNC रहने वाला है। ओके, मैक्सिमम एलोकेशन हम मान के चलो कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 50,000 की यहाँ पे हम मैक्सिमम एलोकेशन लेकर के चलते हैं। 50,000 से हमको ज़्यादा यहाँ पे नहीं लगाना है,
और इसको हम कैपिटल वेस्ट कर लेते हैं। स्टार्ट टाइम इन सब चीज़ों को हमने कुछ नहीं करना है, सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, एंट्री कंडीशन में आ जाते हैं। एंट्री कंडीशन में सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि हमने बात करी है कि हमने क्या करना है, जो करंट क्लोज है वो उसके पिछले जो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एंट्री कंडीशन लगाते जाता हूँ और आपको बताते जाता हूँ, करंट जो है वो क्या होना चाहिए, हायर देन होना चाहिए, हायर देन क्लोज, और पिछले कैंडल की ऑफसेट क्या करेंगे हम, माइनस वन करेंगे। एंड क्लोज जीरो हायर देन क्लोज माइनस टू। अब यहाँ पे हम सेकेंड कैंडल की बात करें कि जो हमारी करंट क्लोज हो रहा है वो पिछली से पिछली कैंडल का भी हाई होना चाहिए। फिर से एंड लगाएंगे, एंड तीसरी कंडीशन फिर से वही, करंट क्लोज ऑफसेट जीरो रहेगा, हायर देन क्लोज ऑफसेट अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस देन एंड पीछे की तीसरी कैंडल जो होगी। ओके, और साथ में यहाँ पे लगाएंगे अब आरएसआई की कंडीशन जो हमने देखा डबल करें, एंड आरएसआई ये रहा आरएसआई 14 पीरियड्स का है और ऑफसेट यहाँ पे हम जीरो रखेंगे, डन, क्रॉसेस अबव, हमने कौन सी वैल्यू की बात करी थी, 50 की, कि जब 50 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो नंबर लेंगे और नंबर में हम डालेंगे 50, डन पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है, कंडीशन वो बन करके तैयार हो गई। अब कई लोगों को इसको बनाने में दिक्कत आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से बनाओगे तो वेल एंड गुड, आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा, आप खुद से स्ट्रेटजीज बनाना सीख जाओगे। अगर नहीं भी मतलब करना चाहते तो इसका पूरी स्ट्रेटजी का आपको नीचे लिंक डाल दूंगा, जब हमारी स्ट्रेटजी फाइनल होगी तो उस लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आप उसको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, उसमें अपने सब चेंजेस कर लेना। और एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि जो वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल पर्पजेस के लिए बनाई जा रही है, इससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस के जिम्मेदार खुद होंगे, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि इसके लिए हमारी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। अब यहाँ पे कंडीशन है, स्टॉप लॉस हमने बात करते 3% का लेंगे, टारगेट हम लेकर के चलने वाले हैं यहाँ पे 10% का, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हम लेकर के चलने वाले हैं 3%, जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। ओके, अब सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे डन हो गई हैं, एंड अगर देखा जाए तो स्टार्ट डेट है यहाँ पे 27/3/26 का यहाँ पे, ठीक है, ये बैक टेस्टिंग का टाइम पीरियड अप्रॉक्सीमेट 1 ईयर का है, अप्रॉक्सीमेट क्या है ही 1 ईयर का, सेव एंड बैक टेस्ट करते हैं और इसके रिजल्ट्स को देखते हैं। वो रिजल्ट्स यहाँ पे लोड हो रहे हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी स्टॉक्स के रिजल्ट्स लोड हो चुके हैं, बस एक का रह गया। ओके, डन। सबसे पहले तो आप ये देखो यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव रिटर्न है वो यहाँ पे 36%, यानी एक साल में आपको रिटर्न मिल रहा है। ओके, जो कि किसी भी इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज़्यादा है। चलो इंडिविजुअली की बात करते हैं, टाटा मोटर्स की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे देखिए 41%, टेक महिंद्रा 30%, HCL टेक 28% विद इन 1 ईयर, SBI लाइफ 24%, टाइटन 45%, बैंक ऑफ बड़ौदा 45%, UPL 24%, LTI 40%, DLF 33%, और यहाँ पे देखिए 40%, 48%, OFSS में आपको 43%, और पिडलाइट इंडिया में भी आपको मिल जाता है 27 के आसपास का। और DD की बात करें तो सभी में जो DD है बहुत ही लेस है, यानी कि जो स्ट्रेटजी है बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। अब यहाँ पे कई बार देखो कि आपका विन जो सिग्नल विन हुए हैं, जो लूज हुए वो बराबर है या कम बेस पे, फिर भी यहाँ पे आपको प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, यहाँ पे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ना वो यहाँ पे अपना कमाल दिखाता है, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटजी अगर आप इसको सेटिस्फाई होते हो, आपको लगता है यार कमाल की स्ट्रेटजी है, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट करके बता दो कि आपको कैसा लगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इतना हो गया, इसके बाद में मान के चलो अभी आपको या सभी स्टॉक्स को ऐड करना है या फिर कुछ एक स्टॉक्स को आप ऐड करना चाहते हो, जिनको भी ऐड करना चाहते हो उनको यहाँ से सिलेक्ट कर लो, मैंने सभी को सिलेक्ट कर लिया। और एक मान के चलो कि हाँ मैं मतलब ये जो इससे सेटिस्फाई नहीं हो, रिटर्न इसने कम दिया तो मैं इसको एक्सक्लूड कर देता हूँ, सिंपल इज दैट।
और यहाँ पे क्या करेंगे, डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे। जब डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंडिविजुअल हमको मैक्सिमम एलोकेशन करने के यहाँ पे मतलब मिल जाता है कि मैक्सिमम कितना फंड एक स्टॉक में हम डालना चाहते हैं। उसके साथ अपने हिसाब से चेक कर सकते हो स्ट्रेटजी की साइकिल होल्डिंग टाइप पर, यहाँ पे सीएनसी रहने वाला है, ठीक है। सभी चीज़ों को यहाँ पे देखने के बाद एक्सेप्ट द ट्रेडिंग टर्म्स करोगे, लाइव ट्रेड पे जब क्लिक करोगे तो जो आपका ट्रेड है यहाँ से स्ट्रीक में क्या हो जाएगा, वो लग जाएगा। और जब भी कंडीशन मैच होगी आपके फ़ोन पे एक अलर्ट आ जाएगा, जिसको अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपका जो ट्रेड है वो लग जाता है, जिसमें या तो आपका स्टॉप लॉस या फिर टारगेट जो भी हो, जो भी एग्जीक्यूट होगा, जो भी हिट होगा, उसके हिसाब से आप ट्रेड से एग्जिट कर जाते हो लॉस या फिर प्रॉफिट के हिसाब से, है ना। और स्ट्रेटजी साइकिल डिपेंड करेगा कि आप इसको साइकिल कितना लंबा इसको चलाना चाहते हो। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेटजी को आप बना सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो हिस्ट्री के डेटा के ऊपर, अलग अलग टाइम पीरियड्स में इसको आप चेंज करके चेक कर सकते हो, अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर चेक कर सकते हो, जहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको आप यहाँ पर लाइव ट्रेड ले सकते हो। तो उम्मीद करो वीडियो को अच्छी लगी होगी, अच्छी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।